सब्जियों का ये पानी रखने, अभी छत पे जाना है, और इसके साथ ही डाल देते हैं दो चार बिस्किट पार्ले जी के, ताकि वो तोड़ के खाती रहती हैं। तो देखिए मेरे लव बर्ड बैठे हैं, इनको भी बिस्किट डाल दिया है, और ये पानी चलते हैं रख देते हैं इस साइड में, यहाँ पे रख देते हैं, और इसमें बिस्किट वगैरह ऐसे थोड़ा सा क्रश करके डालना होता है, थोड़े थोड़े से टुकड़े, कहाँ पक्षी आते हैं खा लेते हैं इस तरह से। तो वेलकम टू माई होम मैनेजर ब्लॉग, ऐसे फ्रेंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे, और हम भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, और सुबह के बज रहे हैं 7, और अभी ऊपर आए बच्चों को दाना पानी डाल लें, और अब चल रहे हैं नीचे, सारे काम हो गए, अभी नहाया नहीं हमने, फिर अभी बस नहाने स्नान करने चल रहे हैं, और सारे पास बच्चों को खाना दे दिया है, तो चलते हैं, टट्टी वगैरह को भी खाना देना है, तो बने रहिएगा ब्लॉग को, देखते रहिएगा, इन्जॉय करिएगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा, मिलते फिर अभी थोड़ी देर में। ये गेहूँ भी डाल दिए आज, और पापड़ भी सूख रहे हैं, पापड़ वैसे सूख गए हैं, पर थोड़े बहुत 4-5 दिनों तक लगातार धो दिखानी पड़ती है, और वो देखिए हमने उन पापड़ों के लिए जो ये डिब्बे लाए हैं, ये डिब्बे भी ले आई हूँ, तो इन्हें भी धुल के वाश करके और जो है रख दिया है। तो इस तरह से हमने बना, हमारे तो पापड़ बन चुके हैं, और अभी आपको दिखाते हैं, एक देखो आसमान में एक बैलून वहाँ उड़ रहा है, दूर बैलून उड़ रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे, तो ये ऐसे यहाँ लखनऊ में जहाँ तहाँ ऐसे मतलब। तो फ्रेंड्स नहा धो के और ऊपर आ गए हैं, और नाश्ता भी हो गया हम लोग का, और अभी ना हमने थोड़ा सा चेहरा को वॉश किया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और ये गर्मी लगने लगी थी, हमने जो है थोड़ा सा मुंह धुल लिया, और थोड़ा सा फेस को थोड़ा सा क्लीन किया अभी यहाँ पर छत में, और आप बाहर पीछे देख सकते हैं पेड़ पौधे, मैं इसी जगह छाई में थोड़ा सा बैठी हूँ, ये देखिए इस तरह से, और बस यहाँ पर अभी आई थी पापड़ सुखाने के लिए, अब चल रही हूँ नीचे, खाना खाने का टाइम भी हो रहा, खाना तो खैर बन जाता है सुबह ही, और खाना बना हुआ रखा है, तो अब आपको दिखा देते हैं वो जो छोटे छोटे पौधे हमने उसके बनाए थे, भिंडी के पौधे लगाए थे, वो जमाए हैं, वो भी आपको नज़दीक से दिखाते हैं। धूप काफ़ी तेज़ है, और दिन के बजने वाले हैं 1, अभी टाइम नहीं देखा है, पर हाँ 1 बजने वाले हैं, 1 बजने में 7-8 मिनट बाकी हैं अभी, तो धूप काफ़ी तेज़ है अभी, तो ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं आती हूँ, ब्लैक चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आइज़ अभी उस दिन प्रॉब्लम हो गई थी आइज़ में, 2-3 दिन जो है धूप की तरफ देखने का भी मन नहीं था, एकदम बंद बंद सी आँखें थी, और आँखें खुली नहीं रही थी, तो हमने धूप में कमी आ रहे हैं। तो चलिए बस जस्ट थोड़ी सी अपडेट देते हैं पौधों की, और फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि धूप तेज़ है, फिर आइज़ में हो जाएगी प्रॉब्लम हमारे। ये देखिए आपको दिखा देते हैं, ये पौधे हैं, ये भिंडी के पौधे हैं, जम आए हैं, और आज इसमें पानी डाला सुबह, तो जितने भी पौधे हैं देखिए लाइन से आप देख लीजिए, इसमें सब भिंडी ही भिंडी हैं। देखिए 1 बजने वाला ही था, मैं कह रही थी 1 बजने वाला था, जान हो चुकी है, और ये देखिए सदाबहार में बहुत सारे पौधे आए हैं, फूल आए हैं, और ये राम जी का झंडा भी लगा हुआ है इसी जगह पे, के भी आ गए हैं, तो अब आपको दिखाते हैं ये क्या क्या लेके आए हैं। तो भाई क्या क्या है निकलने वाला सब्जियों में, ये रहे मशरूम, ये हुए परवल, अब इसको क्या कहते हैं आप क्या पता नहीं, इसको बहुत जगह मसीना भी बोलते हैं हमारी साइड में, थोड़ा सा मशीना, और क्या निकल रहा भाई, ये हुए अंगूर, ग्रेप्स, निकलो, और ये बेर आ गए, और झोले में भाई क्या है, पिटारे में ये रहे अमरूद, ठीक, इतने सारे फल हो गए हैं, और एक फल बाकी बचा हुआ है, ये रहा पपीता। खाना भैया किसको मशरूम मटर खाना पसंद है, जब सब्जी बनाएंगे तो उसकी रेसिपी शेयर करेंगे, और किसको किसको बेर पसंद है वो बताएं हमें ज़रूर कमेंट्स में करके, बेर बताएं, जब भगवान राम को पसंद थे तो शायद बेर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे नहीं पसंद होते, पकने के बाद तो और भी अच्छे लगते हैं, तो बेर हैं ये। तो चलिए अगर ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर शेयर करते रहिएगा, और डीनो टर्टल को भी सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, डीनो टर्टल को दिखा देते हैं, वो अभी अंदर बैठा हुआ है, चलो डीनो टर्टल देखो भाई कौन आया, चलो फ्रेंड्स से हेलो बोलो, ये है डीनो,
और डिनो बहुत अचानक अगर खोलो थोड़ा सा डर जाता है। अभी वो एक जो दूसरा सब साथी वो नहीं डरता है, बट ये थोड़ा सा डर जाता है। कोई नहीं, तो डर देते हैं दोनों को। ये देखो हर चलन की हो जाती है थोड़ा सा। ओके, डरना नहीं चाहिए इतना इसको, बस डरता ही है ये थोड़ा सा। हेलो बेटा, बच्चे, शोनू, डिनो, 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 डिनो को क्या है? डर नहीं लगना चाहिए भाई, डरना नहीं चाहिए। यू आर माई फैमिली, हेलो बोलो यूट्यूब फैमिली को, कह दो मुझे सब्सक्राइब करो भाई। डिनो को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिनो टर्टल 998 करके चैनल है। चार आड़ी प्याज है ना, चार आड़ी प्याज हो गया, प्याज हो गया, एक टमाटर हो गया, थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा अदरक है, और ये मशरूम है। मशरूम को गर्म पानी में धुल के अच्छे से, गर्म पानी में धुल कर डाल दिया गया है। ये थोड़ा सा मटर हो गया, मटर को भी पानी में डालें। तेल में फ्राई करके, हाँ इसको फ्राई करके निकाल दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा मिर्च हो गया, नमक को करता हूँ, थोड़ा सब्जी मसाला एक चम्मच, दो चम्मच कर दूँ। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हो गया एक चम्मच, दो चम्मच ग्रेवी वाली है सब्जी, तो उसमें मसाला थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। थोड़ा सा चिकन मसाला, हाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, लगभग एक चम्मच चिकन मसाला, हाँ हाँ इतना सारा मसाला ये नहीं इसमें पड़ेगा। और मसाले जैसे ऐड करना हो जो पसंद हो, जैसे किसी को तो डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल सकते हैं, अमचूर अमचूर अगर पसंद है तो, वरना टमाटर डाल रहे हैं तो ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। नहीं नहीं, ये इतना मसाला हो गया। अभी ये फ्राई हो रहा है, हल्को निकाल लेंगे फ्राई करके सारा, उसके बाद में टमाटर और प्याज काट देंगे और लहसुन अदरक देंगे, उसके बाद में ग्रेवी तैयार होगा। सारा मसाला दे दिया, हाँ सारे मसाले हैं इसमें, तो बच्चे की फुकुआ आ भी रही है। अब इसमें देंगे टमाटर, सब्जी में देंगे टमाटर, थोड़ा टमाटर डाल दो, टमाटर पड़ गया। ये जो फ्राई करके मशरूम रखा है और ये मटर रखा है, मटर तो ऐसे ही, हाँ मटर तो ऐसे ही फ्राई करते हैं, इसमें अभी डालेंगे इसमें उसका फिर उसके बाद मटर डाल दिया, थोड़ा सा मटर को भून लेंगे, हाँ उसके बाद में मशरूम डालेंगे, हाँ मशरूम पड़ेगा, फिर हल्का ग्रेवी के अनुसार पानी डालने डालेंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे, दो तीन बॉयल आने देंगे तभी तो पकेगा, धनिया पत्ता की पड़ेगा। अच्छा बन गया, अभी आप डाल दो धनिया, डाल दो धनिया पत्ती डाल के गैस ऑफ कर देंगे।